थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ानी स्टार्ट की थी, और बर्नौली थ्योरम में एक इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था, याद है ना? अभी भी रखा है वो कागज, वो डेमोन्स्ट्रेशन कि फूक मारने पर पेपर का ऊपर उठ रहा है, उससे रिलेटेड। तो हम वहां पे एक चीज सीखे कि यदि वेलोसिटी इस इक्वेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पी अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाइड थी, याद है किसी को वो कंडीशन अप्लाइड क्या थी? आप में से याद है किसी को कि वो कंडीशन अप्लाइड क्या थी कि ये इक्वेशन हर समय नहीं लगेगी? किसी ने नहीं टाइप किया, जल्दी टाइप करो, आई एम वेटिंग। कि इस इक्वेशन को, ये और ये पूरी बर्नौली थ्योरम है भी नहीं, चलो कोई पता नहीं, टाइप करने में शर्म लग रही है या टाइप करने का प्रोसीजर आपका ढील है। ये कंडीशन अप्लाइड ये है कि जब हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा तभी हम इस इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं, और हमने ये देखा और डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि यदि कहीं पर वेलोसिटी बढ़ती है देन उस जगह का जो प्रेशर होगा वो अच्छे से घट जाएगा। ये बात पहले दिल को यकीन नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने जब वो डेमोन्स्ट्रेशन दिए, ठीक है, एक नहीं दो दिए। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन थे फटाफट फटाफट देखिए। एक तो ये कि क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में ही है कि पेपर को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, ये सब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, है ना? आज बस कुछ छोटी सी नई बातें बताऊंगा वो, पर पीछे से फिर से एक बार रिवाइज देखिए कि एक तो पीस ऑफ पेपर को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए मुझे ऊपर फूक मारनी पड़ेगी ना कि नीचे। दूसरा क्वेश्चन ये था जब ट्रेन धबड़ 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 करके फास्ट मूविंग ट्रेन गुजरती है तो हमसे कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे इस बात को कि फास्ट मूविंग ट्रेन के बगल में भी नहीं खड़ा होना चाहिए, रीजन याद है ना? एक और बात बताई थी कि आंधी में खिड़की दरवाजे का खुलना, पट 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 आवाज आते रहना, चलो दरवाजे का खुलने का, तो मैंने फिर वो कैमरा वहां तक ले गया था, ठीक है, कैमरा वहां तक ले गया था, देव था शायद, देव, हाँ ठीक है। तो आंधी में खिड़की दरवाजे का खुलना बंद होना ये मैंने समझाया था, और क्या समझाया था मुझे थोड़ा ध्यान दिलाओ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी समझाई थी, और कौन सी प्रॉपर्टी समझाई थी? एक शायद ये भी बताया था कि गरीब बेचारे की छत क्यों उड़ जाती है ना आंधी में, आंधी में गरीब बेचारे की छत क्यों, हेलीकॉप्टर क्यों उड़ जाता है, धर 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 हेलीकॉप्टर क्यों उड़ता है ना, ये बताया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं, अभी कुछ चीजें रह गई हैं इसमें, तो चलिए कुछ ही रह गई हैं। एक है वर्किंग ऑफ एटोमाइजर, एटोमाइजर या स्प्रेयर भी बोलते हैं, एटोमाइजर तो ओल्ड डेटेड नाम हो गया, आप इसे स्प्रेयर भी बोल सकते हो, स्प्रेयर, स्प्रेयर वही जो कॉलिन वाली शीशी होती है ना, आप बटन दबाते हो नीचे का कॉलिन ऊपर से छिड़क के आ जाता है, या वो जो नाई बाल काटने से पहले हमें गीला करता है, हालांकि इतना बदतमीज होता है, ठंड में भी गर्म ठंडा ठंडा पानी डालते हैं, है ना? तो वही स्प्रेयर कैसे काम करता है, तो सीखते हैं बेटा एटोमाइजर और स्प्रेयर की। जैसे हमारे पास ये अच्छा, मैं एग्जैक्टली कॉलिन तो नहीं बना पाऊंगा, कॉलिन के अंदर की मशीन स्प्रिंग तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ उसका मैकेनिज्म समझा दूंगा। आप ऐसे समझो मशीन की बजाय पंप नीचे से खींच देती है ना वो, चलिए समझ में आना आना तो चाहिए। ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें वो लिक्विड भरा है जो छिड़कना है हमें, स्प्रे करना है ना? मे बी पॉसिबल, जरूरी नहीं है कॉलिन ही हो, ठीक है, दवाइयां भी छिड़की जाती है, वो देखते हो ना आप पीछे पीठ पे वो टांग लेते हैं और फिर यूं करके खेती करते हुए ना पीछे केमिकल लटका लेते हैं, फिर एक पतली सी पाइप उसे स्प्रेयर, है ना, स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है ऊपर, जिसका एक तरफ से मुंह पिचकारी जैसा क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं, कर देते हैं कॉनिकल, आगे जाके क्रॉस सेक्शन उसका क्या कर देते हैं, पतला आ जाएगा समझ में, पतला क्यों करते हैं, ठीक है, छोटा सा पतला सा ये कर दिया, एक तरफ पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन, इज इट ओके, पिस्टन जिसको हम यूं करके वो जो किसान है वो यूं करके आगे पीछे करता है, और यहां पर एक पाइप लिक्विड में छोड़ दी जाती है यहां ऐसे करके, मे बी जनरली कॉलिन वाले में वो स्ट्रॉ की तरह जो दिखती है ना वो पाइप यहां डाल देते हैं यहां पर। अब देखिए अभी यहां पर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है और यहां पर भी एयर भरी हुई है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जैसे ये इस पंप से हम स्प्रे करेंगे और इस पिस्टन को पुश करेंगे तो ये जो ट्यूब है, ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसमें एयर की स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जैसे इसको आगे की तरफ पुश करेंगे तो इसमें जो एयर है
तो बताइए इस पॉइंट पर जहां मैंने ये लिखा है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, है ना? वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने बढ़ाई है वेलोसिटी, अपने आप नहीं बढ़ी मैं मानता हूं, लेकिन आपने बढ़ाई है ना पंप करके। तो जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो बेटा फिर वही डायलॉग, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस लोकेशन का जो एयर प्रेशर है वो अच्छे से गिरेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती थोड़ी सी है, प्रेशर गिरता ज्यादा से। तो अब आप बताइए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक प्रेशर डिफरेंस है या नहीं? यहां प्रेशर पहले जैसा ही है पी है, लेकिन यहां अब पहले जैसा नहीं रहा, कम हो गया है, इस पॉइंट से कम हो गया प्रेशर, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। मान लो इस जगह का नाम मैं देता हूं, इस जगह का नाम ए और इस जगह का नाम देता हूं बी, तो बताना प्रेशर किस जगह का ज्यादा हो गया? अच्छा आप बताओ किस जगह का प्रेशर ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया, सॉरी कम हो गया, किस जगह का प्रेशर कम हो गया? बी का प्रेशर कम हो गया और यहां वही प्रेशर है, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब बताना ये तो एक ही लेवल का लिक्विड है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? लिक्विड की एक अपने आप टेंडेंसी होती है, लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है वो अपने आप ही हायर प्रेशर से लो प्रेशर, यदि रास्ता हो तो मूव करना चालू कर देता है। तो इधर हायर प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो अपने आप ही लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उठ जाएगा यूं करके। अब जैसे ही उठेगा यहां तक आ गया लिक्विड का पाइप में अच्छा आपको ध्यान है एक दिन मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, ध्यान करो समझाते समय कि सुट्टा मारते हैं स्ट्रॉ डाल के, तो जब हम सुट्टा मारते हैं तो क्यों कोल्ड ड्रिंक ऊपर आती है? तो वही चीज उसी तरीके से यहां पर क्या हो गया, यहां पर प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड यहां से ऊपर उठ गया अपने आप। अब कहानी का अगला स्टेप, क्योंकि यहां से तो एयर आ रही है, देखो यहां से तो एयर आ रही है, तो ये लिक्विड इधर नहीं जाएगा, इस एयर के प्रेशर से इधर मुड़ना चालू हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया भाई? इधर से तो तुम एयर से प्रेस कर रहे हो, तो फिर जो लिक्विड है वो इधर जा ही नहीं सकता अगेंस्ट द, है ना, अगेंस्ट फ्लो, तो वो इधर जाएगा। तो वो लिक्विड नीचे से ऊपर उठना समझाया मैंने और फिर इधर मुड़ना समझाया। अब देखिए आगे जो पाइप में मुंह छोटा किया है उसका पर्पस यही है, समझ गए होगे कहीं, तो यदि तमीज से पढ़ रहे हो तो आगे मुंह छोटा हो गया तो स्पीड बढ़ जाएगी, एक बढ़िया स्पीड से लिक्विड बाहर निकलेगा, क्योंकि जहां एरिया छोटा हो जाता है वहां स्पीड, मतलब यहाँ क्या फिजिक्स चल रही है, एरिया कम हो गया तो यहाँ स्पीड बढ़ गई होगी, बस खत्म। एफ अपोन ए नहीं, यहाँ एफ अपोन ए का क्या लॉजिक दे रहे हो आप? तो क्या ये वर्किंग ऑफ स्प्रेयर समझ में आई? पहले हवा पुश करी और ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब ली तो उसमें ये फिजिक्स चल जाएगी, ये फिजिक्स लग जाएगी, तो इसलिए वेलोसिटी बढ़ाई हमने ट्यूब में तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर लिक्विड उठ गया, लेकिन वो लिक्विड इधर जा ही नहीं सकता क्योंकि इधर से एयर का फ्लो आ रहा है, वो इधर ही जाएगा, फिर आगे जाके मुंह छोटा कर दिया। देखो दो दो फिजिक्स लग रही है, नहीं बर्नौली थ्योरम भी लग रही है और उधर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लग रही है, ये स्प्रेयर। अब आते हैं, ठीक है, वर्किंग ऑफ स्प्रेयर के बाद मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट इसी में आता है ना, मैग्नस इफेक्ट बर्नौली थ्योरम की इसी एप्लीकेशन में। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो बॉलर है ना, मान लो मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, बॉल फेंकेगा तो सिंपली हम क्या एक्सपेक्ट करें कि यदि ये बॉल, अब यहां बेटा थोड़ा 2D और 3D का चक्कर पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, बॉल उसने फेंकी तो हम यही तो एक्सपेक्ट करेंगे कि बल्लेबाज के पास यूं जाए, है ना भाई? किसी बॉलर ने यहां से उसके हाथ से रिलीज हुई बॉल तो यही तो उम्मीद करनी चाहिए कि पहले ऐसे जाएगी फिर जमीन पर टप्पा खा के उस बॉलर बल्लेबाज के पास जाएगी। लेकिन ऐसा क्या बॉलर, ठीक है ये तो नॉर्मल हुआ, होता है ऐसा, ऐसे बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन जब बॉलर इस बॉल में फॉरवर्ड मोशन के साथ स्पिन भी ऐड कर देता है, देखिए बेटा मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं फिगर, इस बॉल में स्पिन भी ऐड कर दिया, स्पिन भी ऐड कर दे, तो पता है तुम्हें पता है ना स्पिनर का कमाल, स्पिनर का कमाल क्या होता है, या स्विंग बॉलर भी थोड़ा सा उंगलियों से, वो ना स्विंग बॉलर जो फास्ट बॉलर होता है तो थोड़ा सा बॉल को मूवमेंट दे देता है, तो ये तो हो गई नॉर्मल बॉलिंग, ध्यान रखना जिसमें ये चीज ये वाले एरो रोटेशनल मोशन शामिल नहीं है, नॉर्मल बॉलिंग तो नॉर्मल बॉल ये, लेकिन जब बल्लेबाज अच्छा होता है तो वो नॉर्मल बॉल तो खेल ही लेगा, तो जो स्पिनर है या स्विंग बॉलर है वो एक चीज कोशिश करते हैं, बॉल को सिर्फ ऐसे नहीं इंपैक्ट देते, बॉल को स्पिन भी देते हैं, तो स्पिन करने से क्या होता है बॉल में नौटंकी चालू हो जाती है, यहां समझना यहाँ बोर्ड पे तो बन भी नहीं पाएगा, तो देखना यानी मैं ऐसे दे रहा हूं बॉल फेंक रहा हूं, तो बॉल बल्ले ऐसे टप्पा खाई, मैं नीचे यहीं तक लेता हूँ एक मिनट, ये फर्श ले लेता हूँ, है ना, बॉल फेंकी बॉल टप्पा खाई और आप बल्लेबाज हो, तो यू आने की बजाय क्या होता है बॉल यू टप्पा खाई
और ये और टेढ़ी हो गई। एक्सपेक्टेशन क्या है, देखना एक्सपेक्टेशन क्या है, बॉल मैंने फेंकी, ये बॉल मान लेना यू आई टप्पा खाई सीधे आपके पास आनी चाहिए, ये पहला फिगर। लेकिन यदि इसमें स्पिन मार दे तो बॉल ना यू जाएगी टप्पा खा के और टेढ़ी हो गई, या टप्पा खा के इधर टेढ़ी हो गई। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट मैग्नस ने जस्टिफाई किया था, ढूंढा था कि मैं बताता हूं कि बॉल अपने एक्सपेक्टेड पाथ जो सीधे जाने की बजाय तिरछी ऐसे ऐसे, जिसे हम क्रिकेट की लैंग्वेज में, इस क्रिकेट की लैंग्वेज में लेग स्पिन ऑफ स्पिन ये बोलते हैं, दूसरा तीसरा ये जो बोलते हैं इसे साइंस में मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। तो समझ गए मैं क्या समझाने जा रहा हूं, कि बॉल अपने ओरिजिनल, क्योंकि यहां नहीं बन पाएगा वो फिगर, आप यहां नहीं बन पा रहा था वो फिगर, आप समझ पाएगी कि नहीं, कि एक्सपेक्टेड पाथ सीधे सीधे ना आके तिरछी हो जाना, सीधे ना आके तिरछी हो जाना, ठीक है ना, इस तरीके से तिरछा हो जाना। पहले ये तो समझ पाए ना, मैं समझाऊंगा क्या क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए स्पिन करने से क्या होता है कि देखिए, हालांकि मैं कुछ वीडियो और फोटोग्राफ भी भेजूंगा आपको, और मैंने एक भेजा भी है, शायद वो आप समझ भी नहीं पाए होंगे, आज समझ जाओगे। देखिए एक चीज सुनना, ये बॉल फेंकी तो हवा में ही जा रही है, तो जब हवा में जाएंगी तो हवा को जहां जहां से ये बॉल गुजरेगी उसकी स्ट्रीम लाइन को इस तरीके से डिस्टर्ब करते हुए चलेंगी, ऐसे समझो। अब आप कहोगे ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है स्ट्रीम लाइन, नीचे स्ट्रीम लाइन। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ एयर ओवर एंड बिलो इट। एक्चुअली आप ऐसे समझो, ये थी स्ट्रीम लाइन पहले, ऐसे हवा तो एयर ही, ये मैंने स्ट्रीम लाइन बना दी, एयर ऐसे दी। अब यदि, या ऐसे समझो मैंने चार तार है, पतले पतले चार तार बांध दिए ऐसे, है ना, एक उसके नीचे एक उसके नीचे एक। अब यदि मैं कोई बॉल ऐसे करके इसमें बीच में से फंसाऊं, और यूं फंसाते हुए ऐसे आगे लेते चला जाऊं, फंसाते हुए आगे लेते चला जाऊं, तो बताना जैसे जैसे ये बॉल गुजरेगी, बताना ऊपर और नीचे की स्ट्रीम लाइन की शेप ऐसे कर देगी कि नहीं कर देगी। आप ये बताइए, ये एयर है, इसमें मैंने बॉल एडजस्ट कर दी, तो एयर ऊपर और नीचे ऐसे हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बोलो। समझिए, मैं जिसे मैं तार बोल रहा हूं आप उसे ऐसे समझ लीजिए कि ये एयर की स्ट्रीम लाइन है, और जब इस स्ट्रीम लाइन में एयर वो बॉल घुसेगी तो बॉल, ठीक है, अभी तो देखो ये शेप ऐसी है, जब ये बॉल आगे जाएगी तो ये वाली तो सीधी हो जाएगी, सुनना, ये जैसे जैसे आगे, जैसे जैसे बॉल आगे जाएगी तो ये स्ट्रीम लाइन सीधी हो जाएंगी, और जब ये बॉल आगे बढ़ेगी तो ये वाली ऐसे हो जाएंगी, ऐसे करके आएगा बेटा तेरा भी वक्त आएगा आगे भी, तो ये होता चलेगा। लेकिन ये तो है नॉर्मल बॉल, लेकिन जब हम स्पिन फेंक के मारेंगे, यानी कि जो इसमें मौजूद है स्पिनिंग मारेंगे, तो क्या होगा, गौर से देखो, ये जो मैंने स्पिनिंग मारी है, तो यदि इस फ्लो को देखिए तो यहां पर बॉल, बॉल की जो सरफेस है, एयर नहीं, बॉल की सरफेस की टेंजेंट ऐसे जा रही है ना, इस बॉल की सरफेस की टेंजेंट की वेलोसिटी ऐसे है, और इस बॉल की सरफेस की टेंजेंट की वेलोसिटी ऐसे है। चेक करो, जब भी कोई बॉल घूमेगी, बॉल घूम रही है तो बताना, तो बॉल की जो टॉप सरफेस है उसकी जो वेलोसिटी है वो इधर है इस स्टेट पर, और इस बॉटम वाले की इधर है कि नहीं वेलोसिटी। तो पता है क्या होगा, इस एरो की वजह से ये ऊपर की एयर को रगड़ेगी, ठीक है, और मान लो स्ट्रीम लाइन हवा इधर ही चल रही है, तो ये ऊपर वाली एयर को तो सपोर्ट कर देगी, तो ऊपर वाली एयर को अपने साथ खींच के उसकी लिटिल बिट स्पीड बढ़ा देती है, और नीचे उसके अगेंस्ट, तो नीचे वाली एयर की स्पीड उसने घटा दी, नीचे वाले की स्पीड घटा दी, क्योंकि देखो एयर इधर जा रही है और बॉल की सरफेस की वेलोसिटी इधर है, तो बॉल की जो सरफेस है वो एयर की वेलोसिटी के अगेंस्ट मूव कर रही है, बॉल की सरफेस की वेलोसिटी इधर, एयर इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो एयर थोड़ा सा रेजिस्ट होगी, थोड़ी बहुत, बॉल ऐसे घुमाई गई है तो बॉल की वेलोसिटी ऐसे और एयर की वेलोसिटी भी ऐसे ही थी, तो ये ऊपर वाली लेयर को सपोर्ट कर रही, तो ऊपर की वेलोसिटी इस रीजन की वेलोसिटी पहले से थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी थोड़ी बहुत घट जाएगी। क्या ये समझ में आया, इस एक्शन की वजह से, इस एक्शन की वजह से थोड़ी बहुत एयर की वेलोसिटी ऊपर बढ़ जाएगी नीचे घट जाएगी। अब देखिए एक चीज और, डायग्राम में एक आपको एक चीज और सुननी पड़ेगी, जैसे हम 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते थे ना, या स्ट्रीम लाइंस पढ़ते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती थी, और स्ट्रीम लाइन जो मैं जो लाइनें बनाता हूं ये स्ट्रीम लाइन मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है। वहां जो प्रॉपर्टी थी यहां भी वही प्रॉपर्टी है कि आपको ध्यान है कि यदि मैं कहीं पर ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूं डेंसर, और एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूं, तो इस यहां मैंने क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, तो इसका मतलब ये होता था कि यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहां मैग्नेटिक फील्ड वीक है। फिगर के थ्रू हम ये मैसेज देने की कोशिश करते थे कि यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है। सेम मैंने ये तो बोल दिया कि ऊपर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, नीचे की घट जाएगी। डायग्राम को गौर से देखो, मैंने ऊपर स्ट्रीम लाइन की डेंसिटी बढ़ा दी और नीचे कम कर दी है। तो यदि मैं ये नहीं भी लिखू ना, ये वेलोसिटी बढ़ा दी है, ये नहीं भी लिखू घटा दी, तो मेरे फिगर में ये मैसेज आ चुका है कि ऊपर वाली सरफेस की वेलोसिटी बढ़ गई है, नीचे वाले की घट गई है। बताओ, मैसेज पढ़ने वाले की आंखें होनी चाहिए। ऐसा क्या मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, मैंने ऊपर स्ट्रीम लाइन 1 2 3 बनाई है, जबकि पहले 2 थी, अब 3 कर दी। इसका मतलब मैं डायग्राम के रूप में ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी है या बढ़ गई है, उधर बॉल ने बढ़ा दी और नीचे कम कर दी है। तो अब आप बताओ, ऊपर वेलोसिटी बढ़ गई, नीचे वेलोसिटी घट गई, तो जिधर वेलोसिटी बढ़ती है, मिट गया चलो, तो उधर प्रेशर घट जाता है, और जिधर वेलोसिटी घटती है उधर प्रेशर बढ़ जाता है। तो यह भी एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जब प्रेशर, जो कि यहां नहीं था, जो यहां नहीं था प्रेशर डिफरेंस, तो बताना ये प्रेशर डिफरेंस बॉल का पाथ डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा, इसलिए स्पिन हो जाती है, इसीलिए स्पिन हो जाती है। और एक चीज और, जो इस समय दिक्कत महसूस हो रही होगी, मैं बताता हूं जो मुझे महसूस हो रही है कि मान लो बॉल है, मैं सिर्फ यू वाला स्पिन दिखा पा रहा हूं बोर्ड पे, यू है ना, लेकिन सोचो यदि कोई इमेजिन करो ऐसे स्पिन बॉल फेंक रहा है ऐसे। अच्छा एक मिनट, जो मैंने दोबारा कोशिश करता हूँ ताकि एक एक्यूरेट चीज दिमाग में जाए, मैं बोर्ड पे सिर्फ ये वाला स्पिन दिखा पाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या दिखा पा रहा हूं, इसके ऊपर की वेलोसिटी बढ़ गई, नीचे की घट गई, ऊपर का प्रेशर घट गया, नीचे का बढ़ गया। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे सोचिए कि यदि मैं बॉल को ऐसे स्पिन करके भेज रहा हूं, तो फिर इधर और इधर, मैं आपके सामने ऐसे ऐसे करके स्पिन फेंक रहा हूं, यूं करके, तो यूं, तो स्पिन करते हुए यूं जा रही है, ठीक है, यूं जा रही है ऐसे, तो अब इधर और इधर डिफरेंस क्रिएट होगा, इधर और इधर, तो बॉल ऐसे धक्का खाएगी या ऐसे धक्का खाएगी, डिफरेंस। तो यानी बोर्ड पे मेरे पास कुछ मजबूरी है, केवल ऐसा स्पिन मत सोचना कि सिर्फ ऐसे स्पिन कर सकती है, मेरे पास बॉल भी नहीं है, लेकिन सोचो बॉल तो ऐसे भी स्पिन कर सकती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैग्नस ने ढूंढा था कि इसलिए तिरछी हो जाती है थोड़ी बहुत अपने ओरिजिनल पास से, कि बॉलर यूं करता है तो बॉल क्यों स्विंग हो जाती है ना, तिरछी हो जाती है हवा में, ठीक है। चलो, इज इट ओके। अब आते हैं एक और शेप, एयर फॉइल। एयर फॉइल, और ये लास्ट एप्लीकेशन है एयर फॉइल। उसके बाद एक टॉपिक वेंचुरी मीटर बचेगा, सॉरी, इसके बाद एक एप्लीकेशन। एयर फॉइल क्या होता है, जो एरोप्लेन की विंग्स की शेप होती है ना, जैसे आप किसी को स्फेयर बोलते हो, किसी को सिलेंडर बोलते हो, किसी शेप को हेमी स्फेयर बोलते हो, शेप देख के बोलते हो तो कौन है, तो वैसे जो एयर एरोप्लेन जो होते हैं, एरोप्लेन उनकी विंग्स की जो शेप होती है, विंग्स की, उन विंग्स की शेप को एयर फॉइल बोला जाता है। अब मेरे पास एरोप्लेन नहीं है, लेकिन आप नेट पे देखना तो उन विंग्स की, अच्छा नॉर्मली क्या होगा, यदि मैं एक सस्ता सा एरोप्लेन बनाऊं, एरोप्लेन, क्योंकि बेटा हेलीकॉप्टर का उड़ना तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर में ऊपर पंखा होता है, द द द द द द द। लेकिन एरोप्लेन क्यों ऊपर उड़ जाता है, एरोप्लेन क्यों ऊपर उड़ जाता है, उसमें तो ऊपर पंखा भी नहीं है ना। तो चलिए बताते हैं कि एरोप्लेन को ऊपर कौन लिफ्ट देता है, एरोप्लेन को कौन ऊपर उठा देता है, उसमें तो पंखा भी नहीं है। तो देखिए देखिए, मैं एक एरोप्लेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जैसा बन जाए ही हूं मत करना, ये पंखड़ी देखना, ओहो, ठीक है, ये पंखड़ी। अब ये जो पंखड़ी है, ये आपको नॉर्मली तो ऐसे ही दिखा दी मैंने, लेकिन यदि इस पंखड़ी को मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं, क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो बेटा इन पंखड़ियों का ना क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसा होता है,
मतलब ये पंखड़ी है, लेकिन इसको अच्छा यदि इस पंखड़ी को सिर्फ ऐसे दिखाऊं तो आपको सिर्फ ये एरिया ऐसे दिखेगा। इस शेप को एरोफॉइल बोलते हैं, विंग एरी। मतलब जैसे मैं हाथ करके यूं उड़ रहा हूं, मैं हूं एरोप्लेन, तो मेरा हाथ विंग हो गई, तो अब मेरी उंगलियां दिख रही है, विंग तो नहीं, देखो मेरा हाथ पूरा नहीं दिख रहा ना आपको, उंगलियां दिख रही है बस, थोड़ा सा ऐसे करूंगा तब मुझे हाथ आपको दिखा। तो यदि मैं ऐसे देख रहा हूं तो आपको सिर्फ उंगलियां दिख रही है, सिर्फ ये। ऐसे यदि मैं आपको एरोप्लेन दिखा रहा हूं, आपको विंग, तो आपको सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे करूंगा तो विंग ऐसी होती है। इस शेप को बोलते हैं एयरफॉइल। विंग ऐसे करके बनाई जाती है इसको, यानी यदि मैं इस विंग को, ये जो विंग है ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं, ये ऐसे करके क्रॉस सेक्शनल व्यू बनेगा कि नहीं, मुझे रुको, ये होती है विंग, ये शेप, समझ पा रहे हो क्रॉस सेक्शनल व्यू? थोड़ा थोड़ा जज कर पा रहे हो कि नहीं, मेरी थोड़ी सी आर्ट खराब है उसको एडजस्ट कर लो। ये विंग का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ऐसा होगा कि जो विंग मैंने बनाया ना, उस विंग का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। और ये विंग पूरी, इस शेप को एयरफॉइल बोलते हैं, एयरफॉइल। और यही शेप इस एरोप्लेन को उड़ने में मदद कर जाती है, देखें कैसे। अब देखिए एरोप्लेन पहले पहले कहां चलता है एरोप्लेन, पहले रनवे पे चलता है ना, रनवे पे। अब देखिए उस रनवे पे चलते चलते उसको अपवर्ड लिफ्ट कैसे मिल जाता है। मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, उसको प्लीज दोबारा देखना। उसमें देखो, अब मैं केवल इस शेप को दिखा रहा हूं, इस शेप को थोड़ा जूम करके, ठीक है, इस शेप को ठीक है, ये वाली शेप है ना, इसको मैं जूम कर रहा हूं और मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा पा रहा हूं। पंखड़ी तो ये ऐसे करके ब्लेड्स होते हैं इसके पूरे पंख, ठीक है। अब देखिए जब ये जूम जूम रनवे पे भागेगा, जब ये रनवे पे भागेगा, पहले रनवे पे पहिए से भगाएंगे, तो ये एयर को चीरती हुई फाड़ती हुई निकलेगी शेप। तो जब एयर को चीरती फाड़ती निकलेगी तो सुनो, अब बताना, एक मिनट मुझे बताना फिर से। अभी मैंने स्ट्रीम लाइन बनाई है कुछ, ठीक है, स्ट्रीम लाइन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसमें बॉल फिट करी थी ना, बॉल फिट। तो मेरे बॉल फिट करने पे जैसे जैसे बॉल इसमें घुसके हुए अंदर जा रही, तो बॉल ने ऐसे करके शेप चेंज की थी, याद करो, है ना, ऐसे कर दिया। यानी मैंने आपको ये बताया था कि ये कई सारे तार है ये, उसमें यदि ये बॉल अंदर फिट कर दूं तो तार यहां, जहां पे बॉल होगी वहां तारों की शेप ऐसी हो जाएगी। अब इसी स्ट्रीम लाइन में यदि इसको घुसा दूं मैं, अब सोचो आगे एरोप्लेन जब ये भगेगा तो एयर को चीरते हुए चलेगा, आगे की जो स्ट्रीम लाइन एयर है उनको चीरता हुआ चलेगा। तो अब आप बताइए यदि ये ब्लेड्स इस एयर में घुसाऊं, तो देखिए नीचे की ये स्ट्रीम लाइनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी नीचे से शेप ऐसी है, लेकिन जब ये ऐसे भगेगा तो ऊपर की शेप ऐसी हो जाएंगी स्ट्रीम लाइनों की, एयर को, क्या ये समझ में आया है या नहीं आया पहले ये बताओ कि जब ये ब्लेड एयर को चीरते हुए चलेंगे तो स्ट्रीम लाइन ऐसे डिस्टर्ब होते हुए चलेंगी। सोचो जब ये ब्लेड ये मैंने जिसको थोड़ा जूम करके दिखा रखा है यहां पे, ठीक है, अब जब ये एयर को चीरते हुए चलेंगे तो नीचे की एयर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ पा रहा, देख रहे हो ना, नीचे की एयर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ पा रहा। यदि मैं इस शेप को इन तारों के गुच्छे में घुसाऊं तो जो नीचे के तार होंगे वो लगभग ऐसे ही रहे, लेकिन ऊपर के तार क्राउडेड हो गए कि नहीं हो गए, क्राउडेड माने कंजेस्टेड हो जाएंगे। तो यहां की ना एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है जब ये भगता है। ये शेप का कमाल है कि जब एरोप्लेन रनवे पे भगेगा, रू रू जो भगेगा काफी देर तक तेजी से, तो नीचे की स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ऊपर की स्पीड बढ़ जाती है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? फिर मेरे पास एक और तरीका है, लेकिन इसी तरीके से समझ में आ जाए तो बेटर है कि ऊपर की स्ट्रीम लाइन्स क्राउडेड हो जाएंगी, ऊपर की स्पीड बढ़ जाएगी। मैं एक और तरीके से चलो ऐड कर देता हूं, फिर बोलना समझ में आया कि नहीं। एक और आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा हूं जिस ये साबित करने के लिए कि ऊपर की स्पीड क्यों बढ़ गई, है ना, ऊपर की स्पीड क्यों बढ़ गई, बता ना।
ये पार्टिकल थे, ये है ना, या एक मिनट, ये ए पार्टिकल नंबर 1 2 3 4 5, ये एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है ये, है ना, ठीक है। यहां से इसमें से ये शेप घुसेगी, एरोप्लेन घुसरेगा इसमें से, ठीक है। इन पांचों की हालत ऐसे हो गई होगी जब ये शेप इसमें घुसी होगी, अभी तो ये सीधे दिख रहे हैं, लेकिन जब ये शेप घुसी होगी तो देखना 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए होंगे। अब मुझे बताओ वो चला गया, कौन, एरोप्लेन आगे चला गया, तो 1 2 3 4 5 जैसे कहते ना अचानक से आंधी आई और फिर सेटल हो गई, ये आंधी आई चलेगी, तो देखना 1 को केवल यहां से देखो, जब एरोप्लेन चला गया तो उतने ही टाइम पर 1 यहां से यहां, सॉरी 1 ऊपर वाला है, 1 यहां यहां, 2 यहां से यहां, 3 यहां पे यहां, 4 यहां से यहां, 5 यहां से यहां, मतलब ऐसे समझना जो 1 2 3 4 5 थे, तो जब एरोप्लेन चला जाएगा निकल के, है ना, बाद में सेटल तो ऐसे ही होने 1 2 3 4 5, तो अब मुझे बताना ये शेप निकल के रायता फैला के चली गई, ये वाली जो 1 2 3 4 5 ऐसे थे, पल भर के लिए ऐसी शेप से ऐसे हुए होंगे, पल भर के लिए ऐसे हुए होंगे, 1 यहां पे, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5, और फिर ये चले जाएंगे तो फिर वापस सेटल हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे 1 2 3 4 5। इतना समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ कि 1 2 3 4 5 जो पार्टिकल थे वो एज इट इज है, फिर जब ये इसमें से गुजरेंगे तो 1 ये हो जाएगा 2 3 4 5, और फिर जब वो आगे निकल जाएंगे तो फिर वो से फिर सेटल हो जाएंगे, वापस सीधे हो जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, मान लो 10 सेकंड के अंदर ये सीन हुआ है, मान लो 10 सेकंड के अंदर ये रायता फैल गया, फिर है ना एक आंधी सी आई, फिर वो आंधी सेटल हो गई, तो बताना जो पार्टिकल नंबर 5 है उसने यहां तक, यहां से यहां तक आने में 10 सेकंड लिए, पार्टिकल नंबर 4 को भी यहां से यहां तक आने में 10 सेकंड लगे, पार्टिकल नंबर 2 को भी यहां तक 10 सेकंड लगे, 3 को भी 10 सेकंड लगे, 1 को भी 10 सेकंड लगे, सब 10 सेकंड में वापस एडजस्ट हो गए, 10 सेकंड के बाद डस्ट थोड़ी सेटल हो गई। लेकिन आपने देखा कि 10 सेकंड में, इस 10 सेकंड में जो चौथे नंबर का पार्टिकल है वो इतने से इतनी डिस्टेंस चला है, जो फिफ्थ नंबर का पार्टिकल है वो 10 सेकंड में इतने से इतने चला है, लेकिन उन्हीं 10 सेकंड में जो ऊपर के पार्टिकल है वो ज्यादा चले हैं या कम चले हैं, बोलो, डिस्टेंस वाइज, डिस्टेंस कह रहा हूं मैं, उसी 10 सेकंड में पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 4 से ज्यादा चला है कम चला है, बताओ हर्ष, बिल्कुल ठीक, पार्टिकल नंबर 1 ज्यादा चला है, पार्टिकल नंबर 2 ज्यादा चला है, पार्टिकल नंबर 3 कम चल रहे हैं, और पार्टिकल 4 5 थोड़ा कम चल रहे हैं, तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई बताना, सेम टाइम में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसने टाइम में उन्होंने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, है ना, तो स्पीड तो ऊपर वाला, तो अब समझ में आया कि ऊपर वाले पार्टिकल जो होंगे इसके, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, जो ऊपर वाले पार्टिकल है ना उनकी स्पीड ज्यादा होती है, नीचे की कम, मतलब ऊपर की बढ़ गई, इन शॉर्ट तो ऊपर का प्रेशर गिर जाता है अच्छे से। अब आगे तुम समझदार हो, बोलो अब इसको एक लिफ्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऊपर पंखड़ियों को ऊपर की ओर लिफ्ट मिलेगा कि नहीं, और दो दो पंखड़ी है, दोनों पंखड़ियों पे वजन लगेगा, तो भैया एरोप्लेन तो ऊपर उठेगा ही उठेगा। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से इन पंखड़ियों पर ऊपर की ओर लिफ्ट लगने लग जाता है, ऊपर की ओर फोर्स लगने लग जाती है, ये इन विंग्स की शेप का कमाल है, और इसी शेप को बोलते हैं एयरफॉइल। इस पर एक सवाल है, करते हैं, चलो सस्ता सा सवाल है बेटा बहुत, ठीक है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूंगा, तब सवाल करेंगे, ठीक है, एक छोटी सी, देखिए वो जो पेपर वाला था ना, पेपर वाला सीन कहां गया, वो पेपर जैसे मैंने फूक मार के उठाया था, वो पेपर दे रहा, इस वाले सवाल को ना दोबारा करते हैं, बेटा एक मीटिंग चाहिए तो होगी दोबारा, उठाना ऊपर, आइए बेटा देखते हैं कि इसमें यदि मैकेनिक्स लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। ये पेपर था और मेरे फूक मारते ही ऊपर मैंने स्ट्रीम लाइन बनाई, इमेजिन करो कि मेरे फूक मारते ही पेपर हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना, मेरे फूक मारते ही, तो इसका मतलब मेरे फूक मारते ही पेपर है बेटा ये वाला, है ना, फूक मारते ही यदि ये पेपर सीधा हो गया स्ट्रेट, तो इसका मतलब ये है कि इस पर जो एमजी लग रही थी पेपर पे, जैसे मैं फूक नहीं मारता हूं,
है ना, तो एमजी इसको नीचे गिरा रहा है ऐसे, लेकिन मेरे फूंक मारते यदि ऊपर उठ रहा है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस से सॉल्व करेंगे। बताना ऊपर, क्या बता रहा था मैं, हाँ ऊपर की, सिंस ऊपर की वेलोसिटी आपने क्या कर दी, बढ़ा दी, तो इसका मतलब ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, गिर जाएगा, याद है ना, यहां से बेटा वो फिजिक्स समझिएगा, ऊपर की वेलोसिटी बढ़ा दी तो ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो माना ऊपर से प्रेशर आ रहा है P1 और नीचे से प्रेशर आ रहा है P2। अब मुझे ये बताइए, मैंने ऊपर से प्रेशर के एरो रखे हैं दो, एक दो, लेकिन नीचे जो P2 का प्रेशर है उसे चार क्यों रखे? मैं क्या जताना चाह रहा हूंगा फिगर के माध्यम से, बताओ, मैं इस फिगर के माध्यम से क्या जताना चाह रहा हूंगा कि P1 के एरो दो दिखाए हैं लेकिन P2 के एरो चार दिखाए हैं, मैं इस फिगर के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि मेरा P2 P1 से ज्यादा है, P2 P1 से ज्यादा है। तो अब बताइए, यदि ये पेपर हॉरिजॉन्टल है, इफ पेपर इज हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगी, टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगी। अब बताइए अपवर्ड फोर्स तो सिर्फ एक ही दिख रही है मुझे, बताओ कौन सी, ये जो एरो मैंने दिखाए हैं चार, तो अपवर्ड फोर्स दिख रही है P2, लेकिन ये फोर्स नहीं है तो प्रेशर है, तो इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ध्यान करो, फोर्स कहता है ना मेरे पास पा है, फोर्स कहता है मेरे पास पा है। अच्छा मैं इस वाली फोर्स को F2 लिखूं जो अपवर्ड लग रही है, इस वाली फोर्स को F1 लिखूं और एक प्लस mg। अच्छा आप समझ में आया कि एक नीचे से फोर्स लग रही है, एक ऊपर से लग रही है और एक mg लग रहा है, देखो mg दबक गया बेचारा, ये mg, ठीक है। तो इस F2 को लिखोगे, फोर्स कहते हैं ना मेरे पास पा है, P2 इंटू ए, P1 इंटू ए इक्वल टू, सॉरी प्लस mg, तो इसको इधर ले आएंगे तो P2 माइनस P1 इंटू ए, ये यदि आप डायरेक्ट आदत डाल लेते तो बेटर रहता। तो पता है mg को कौन बैलेंस कर रहा है? अच्छा बता रहा, यदि मैंने फूक नहीं मारी होती, तो क्या mg को कोई बैलेंस कर पाता? ये LHS वाला फैक्टर था हमारे पास, क्या हमारे पास LHS वाला फैक्टर था जब मैंने फूक नहीं मारी थी? mg ये रहा, नीचे और ऊपर एक जैसा प्रेशर था, बोलो ऊपर और नीचे एक जैसा प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था या नहीं था बोलो? यदि मैंने फूक नहीं मारी तो ऊपर और नीचे एक जैसा प्रेशर था, देखो नीचे भी वही प्रेशर ऊपर भी, तभी तो mg, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, mg को कोई कैंसिल कर नहीं पाया, तो ये पेपर नीचे गिर रहा है। तो मुझे बताइए क्या इस वाले फिगर में जो LHS है, क्या इस फिगर में वो LHS जिंदा था? P2 और P1 बराबर थे, जीरो था LHS इसमें, LHS इसमें जीरो था, इसलिए mg बैलेंस नहीं हो रहा था। तो इसको बोलते हैं, इतने हिस्से को लिफ्ट, जिसने mg के अगेंस्ट पेपर को उठाया, इसको बोलते हैं, देखो अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड या अपलिफ्ट, अपलिफ्ट बोलते हैं इसको, अपलिफ्ट, अपवर्ड फोर्स नहीं बोलते, अपलिफ्ट बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसी डिफरेंस की, इस डिफरेंस हमारी बर्नौली थ्योरम के, ये डिफरेंस जीवित था तभी तो ये अपलिफ्ट जीवित था। यदि मैं फूक नहीं मारू ऊपर, यानी एयर ब्लो नहीं करूं, तो ऊपर और नीचे सेम प्रेशर थे तो ये जीरो आएगा, तो इतने एक्सप्रेशन को बोलते हैं अपलिफ्ट। ये चीज ढंग से नोट कर लेना क्योंकि नोट्स में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा, टाइम दे दूंगा अभी नहीं, तो बताना क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि इतने फैक्टर को अपलिफ्ट बोलते हैं, इसकी वजह से पेपर ऊपर उठ पा रहा है और इसकी वजह से नीचे गिर रहा है, लेकिन अब ये बैलेंस हो गए। आइए अब हवाई जहाज का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, वैल्यू तो बहुत आसान है उसकी, क्वेश्चन है हमारा 10.14 होगा जहां तक मैं शुरू, हाँ 10.14 है, क्वेश्चन समझाता हूं, 10.14, एरोप्लेन तो नहीं बना रहा हूं मैं, एरोप्लेन की विंग्स बना देता हूं, है ना, वही जो अभी बनाई थी, एरोप्लेन की विंग्स बना दी मैंने, है ना, वही इसी शेप की। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम ऑन अ मॉडल एरोप्लेन इन अ विंड टनल, मतलब एक टनल में हवाई हवा चलेगी, ठीक है, द फ्लो स्पीड ऑन द अपर, यानी यहां पर अपर V1,
वो स्पीड 70 मीटर पर सेकंड है इसमें, इसके ऊपर स्पीड 70 मीटर पर सेकंड है और इसके नीचे जो स्पीड है 63 मीटर पर सेकंड है। देखा आपने, एरोप्लेन उड़ता ही तब है जब नीचे की स्पीड कम रहती है ऊपर की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसने रेस्पेक्टली, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ द एरिया इज, इन विंग्स का जो एरिया है, एरिया ना ऐसे नहीं दिखेगा आपको, एरिया ऐसे दिखेगा क्योंकि जब विंग, देखो विंग्स तो ऐसे दिख रही है आपको, लेकिन एरिया ये रहा, इतने एरिया पे अपलिफ्ट पड़ेगा, इतने एरिया पर, समझ रहे हो ना एरिया। तो चलिए, वो एरिया दे रखा है हमको 2.5 मीटर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 2.5 मीटर स्क्वायर, और एयर की जो डेंसिटी लेनी है वो 1.3 kg/m³ लेनी है। सवाल समझाता हूं, सवाल ने पूछा है व्हाट इज द अपलिफ्ट या व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, जो लिफ्ट। तो देखिए मुझे बताओ, यदि ये पेपर एरोप्लेन उड़ रहा है तो इस पर mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, P2 - P1 × A, बोलो समझ में आया है नहीं ये फिगर यहां से, इसलिए मैंने पेपर पे समझाया पहले, नीचे mg लग रही होगी और mg को बैलेंस कर रहा होता है P2 - P1 A, ये बैलेंस कर रहा होगा, तो हमको ये निकाल, अच्छा या तो m दे रहा होगा तो मैं mg कैलकुलेट कर लेता, तो मुझे ये वाला हिस्सा कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है P2 - P1 × A, एरिया तो दे रखा है, अब रह गया क्या कैलकुलेट करना, P2 और P1। अच्छा एक चीज और सुनिए, सवाल से अलग, सवाल तो आसान है, अप लिफ्ट में आप ये भी देखिए P2 - P1 का तो रोल है ही, एरिया का भी रोल है। सोचो यदि एक हैंडसम एरिया हुआ तो एरिया जब ज्यादा होगा तो अपलिफ्ट भी तो ज्यादा आएगा। सोचो जितना अच्छा एरिया होगा, जितना अच्छा एरिया होगा उतना अच्छा लिफ्ट भी तो अच्छा आएगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर में भी दौड़ इतना बड़ा एरिया कवर कराते हैं ताकि P2 - P1 तो हमें मिले ही मिले, वो तो हम कोशिश कर ही रहे हैं बेटा, P2 - P1 तो कोशिश कर ही रहे हैं हम, लेकिन हमारी कोशिश एको भी रहती है। ठीक है, तो अब देखिए P2 - P1 कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमारी बर्नौली थ्योरम लग जाएगी यहां पर, बताना P/ρ + V²/2 अपर एंड या अपर पार्ट पर जो होगा वही P/ρ + V²/2 लोअर पार्ट पर होगा, इस विंग के ऊपर जो ये एनर्जी होगी बराबर इस विंग के नीचे भी यही एनर्जी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है एरोप्लेन तो हम यही लगा देंगे। ठीक है, अब कितने लोगों को लगता है कि वो अब ये निकाल लेंगे, जल्दी बताओ, अब कितने लोगों को हिंट मिल गई कि अब तो कर लेंगे हम सर, वेदर भी को लग रहा है, और बताओ कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब तो कर लेंगे हम। चलो जो लोग यहां पे नहीं कर पाए देव को भी लग रहा है, तो देखो मैं आगे, तो एक काम करता हूं अपर पार्ट के लिए मैंने, अच्छा ऊपर V1 लिखा है ना, तो अपर पार्ट का P1/ρ + V1²/2, इधर लोअर पार्ट के लिए मैंने लेटर 2 यूज किया है P2/ρ + V2²/2। ठीक है, तो यहां से P1 - P2/ρ = V2²-V1²/2, अब कितने लोगों को लगता है कि अब कर लेंगे हम, आपको बेटा P1 - P2 और निकालना है तो रो को वहां ले जाओ, तो P1 - P2 = ρ / V2²-V1²। अब एयर की डेंसिटी आपको दे रखी है, कहां गया ये रही, हाँ 2 2 होता है, V2 V1 भी आपको दे रखे हैं, तो P2 कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे, रुको बेटा, ऊपर V1 माने ना मैंने, ये एक छोटी सी गलती होगी, ध्यान नहीं दिया मैंने, नीचे के वेलोसिटी को V2 बोलूंगा, नीचे के प्रेशर को P2 बोलूंगा, ऊपर के प्रेशर को P1 बोलूंगा, वेलोसिटी को V1, P2 हमारा P1 से ज्यादा है तो P2 - P1 × A लिखेंगे हम, P2 ज्यादा है ना, नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहां ना बेटर ये होगा, उससे एक छोटी सी गलती हुई वो ये करते हैं, ठीक है, क्योंकि P2 - P1 A, क्योंकि P2 बड़ा है तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लो, तो P2 - P1 करना है, तो P2 - P1/ρ कितना आएगा, V1²-V2²/2, तो P2 - P1 =
रो अपॉन टू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। तो बेटा पी टू माइनस पी वन की जुगाड़ मैंने कर दी, रो दे रखा है, टू दे रखा है, वी वन वी टू दे रखा है, इसमें एक चीज लगाना चाहो लगा लेना, वी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये पी टू माइनस पी वन, उसमें फिर एरिया का मल्टी मतलब, सो देयर फोर लिफ्ट इक्वल टू पी टू माइनस पी वन इंटू ए। चलिए मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, आप लोग करिए और बताइए आंसर मैच कर रहेगी। हाइड्रोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक, टॉपिक का नाम है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर ये पूछ लिया जाता है, तो ये मेरी नजर में इलेवेंथ के लेवल पे फालतू का टॉपिक, पर्सनली मेरे भी में इलेवेंथ की नजर में इलेवेंथ के टॉपिक में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी है तो पढ़ाना पड़ेगा और पूछ भी लिया जाता है, तो आप इसको इग्नोर मत करना। वेंचुरी मीटर, जैसे आपने एमीटर, थर्मामीटर, वोल्ट मीटर ये नाम सुने ना, कि कुछ ना कुछ मेजर ही करते हैं, ये किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में, यदि किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में, जैसे ये कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है ना, इसमें यदि लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड मेजर करता है, किसी हॉरिजॉन्टल फ्लो में, वो भी स्ट्रीम लाइन, टर्बुलेंट का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, मैं फिर से बता दूं, यदि इसमें टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है तो टर्बुलेंट फ्लो का तो हमारे पास कुछ गणित है ही नहीं, तो यदि किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, तो उस पाइप में उस लिक्विड की स्पीड क्या है वो मेजर करता है। हालांकि ये जो वेंचुरी मीटर है ये एक इजीली देखने वाली डिवाइस नहीं है, ये कमर्शियल यूज बहुत होता है इसका, कमर्शियल यूज, कमर्शियल समझते हो ना, फैक्ट्रीज में इंजीनियर वगैरह जो यूज करते हैं कि एक पाइप से वहां तक गैस भेजनी है तो इतनी स्पीड से भेजेंगे तो ठीक रहेगा, ज्यादा कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये डेली लाइफ में यूज देखने वाली डिवाइस है नहीं ये, तो या तो मैंने वैसे भेजा एक वीडियो, उसमें वेंचुरी मीटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फोटो वोटो भी भेज दूंगा। और वेंचुरी मीटर तो कमर्शियल पर्पस में फैक्ट्रीज में यूज होने वाली डिवाइस है। और सुनिए इसके साथ एक और चीज, अब जैसे घर घर में आपको थर्मामीटर मिल जाता है, आजकल तो बीपी मेजर करने की मिल जाता है, लेकिन ये तो कमर्शियल यूज में ही इस्तेमाल होती है। अब देखिए एक और चीज, आपने देखा होगा ज्वेलर के पास भी तराजू होती है और परचुनी के वाले पास भी तराजू होती है, क्या अंतर है इन दोनों तराजू में? केवल छोटा सा अंतर है, ज्वेलर के पास जो तराजू होती है ना वो हाई प्रेसिशन की होती है, वो मिलीग्राम भी मेजर करता है, लेडीज की लॉन्ग भी तुल जाती है उस पर, लॉन्ग है ना, लॉन्ग कितनी हल्की होती है बताना, ठीक है, तो वो ज्वेलर ना एक छोटी इतनी सी छोटी सी तराजू रखते हैं, छोटी सी है ना, परचुनी वाला थोड़ी बड़ी रखता है क्योंकि उसको 10-12 किलो तक मेजर करना होता है, उसकी तराजू बड़ी होती है। और आपको पता है ट्रक भी तुलते हैं, कितने लोगों को पता है ट्रक भी तुलते हैं बताओ, जो सुने है ना आपने मथुरा में नाम, ये बजरंग धर्म काटा, फलाना धर्म काटा, वो धर्म काटा मतलब वहां ट्रक तुलते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है वहां पे जाके ट्रक खड़ा हो जाता है फिर वो तुलते हैं। तो अब बताओ ये तीनों ही तराजू है, ज्वेलर के पास भी तराजू, परचुनी वाले के पास भी, और ट्रक भी तुलते हैं है ना, लेकिन एक तराजू इतनी सी भी है, एक इतनी बड़ी भी है, एक इतनी बड़ी भी है, तो वेंचुरी मीटर इतना नन्ना सा भी आता है, इतना बड़ा भी आता है, इतना बड़ा भी वेंचुरी मीटर आता है, ठीक है ना, और इतना बड़ा भी आता है कि कार्गो में ले जाना पड़ता है, बड़े बड़े ट्रक में इंस्टॉल होता है। ये होता क्या है देखिए, ये जो वेंचुरी मीटर है ना पहले इसकी, लेकिन सबका बेसिक प्रिंसिपल काम करने का तरीका एक ही है, ऐसा भी वेंचुरी मीटर मिल जाएगा छोटा सा नन्ना मुन्ना, इतना बड़ा भी मिल जाएगा, इतना बड़ा भी मिल जाएगा कि मेरे हॉल में भी नहीं आए, ठीक है। अब कमर्शियल यूज में बेटा पाइप इतनी पतली भी होती है, पतले पतले फ्लो भी जा रहे होते हैं, इतनी मोटी पाइप भी होती है, इतनी मोटी, इतने मोटे मोटे पाइप में रिफाइनरी के पेट्रोल जा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हर तरीके की जरूरत होती है। लेकिन देखिए वेंचुरी मीटर क्या होता है, ऐसी शेप होती है वेंचुरी मीटर की कि एक तरफ तो बड़ा क्रॉस सेक्शन होता है, बड़ा क्रॉस सेक्शन होता है, और उसको जानबूझ के इंटेंशनली पतला कर देते हैं उसको एक तरफ जाके, फिर एक पतली सी पाइप होती है, फिर उसको वापस बड़ा कर देते हैं, पहली बात तो ये पाइप, ठीक है, ये कंसेप्ट, यानी अभी इसमें एक चीज और है वो बताऊंगा, लेकिन यहां से यहां तक ये वेंचुरी मीटर होता है, ये दोनों हिस्से ना ये तो जुड़वा होते हैं, एक जुड़वा बहन है, ये पाइप आगे जाके छोटी कर दी जाती है, फिर एक पतली पाइप में लिक्विड को फ्लो कराया जाता है, फिर वापस अपनी शेप दे दी जाती है। अब और यहां पर एक यू शेप्ड ट्यूब अटैच होती है, यू शेप्ड ट्यूब अटैच होती है यहां पर,
कोशिश करना, मैं भूल जाऊं तो या ये मुझे तो आज के आज नेट पे वेंचुरी मीटर डालना, पता मिल जाएंगे वेंचुरी मीटर देखने को। मैंने जो वेंचुरी मीटर भेजा है वो उसने ना थोड़ा ज्यादा, मैं दूसरा भेजूंगा, मिल गया तो मुझे ठीक है। एक्चुअली ये है वेंचुरी मीटर की कंस्ट्रक्शन, याद है ये तो आपका जाना पहचाना है। इसका चैप्टर 10 हाइड्रोस्टैटिक में सवाल करते थे, इधर लिक्विड भर देते है ना, तो इसमें मरकरी भर देते थे, मरकरी ऊपर नीचे हो जाता था, ये वही चीज है, ये वही काम करेगा। इस वेंचुरी मीटर में इधर का क्रॉस सेक्शन अलग होता है और ये लिखा हुआ आता है इसमें कि ये भैया इस साइड का क्रॉस सेक्शन इतना है और इस साइड का क्रॉस सेक्शन इतना है। मतलब जब आप वेंचुरी मीटर आपके हाथ में आएगा तो यदि मैं इस साइड को ए बोलूं और इस साइड को बी बोलूं, तो एट ए का जो एरिया होगा, एरिया जिसे मैं थोड़ी देर के लिए ए1 मान लूं, तो ये लिखा हुआ आता है कि इधर का एरिया इतना है। इस मशीन का लिखा हुआ आता है जो बनाती है ना, ये जो मैन्युफैक्चरर वेंचुरी मीटर बनाता है, तो इधर का एरिया और इधर का एरिया लिख के भेजता है कि इनका एरिया ये है ठीक। हमें अब मैं ना इसमें अब पहले ये देखिए इंस्टॉल कैसे होता है ये। एक्चुअली एक बार बताओ जी, ये सर्किट है, इसमें करंट दौड़ रही है, हमें खूब पता है करंट यूं यूं आंखों से नहीं दिखेगी, इसे मेजर करना है, हमें खूब पता है कि एमीटर से मेजर होता है तो, लेकिन एमीटर इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे इंस्टॉल होता है, ढंग से समझना, आपको पहले तार काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा और फिर ये रहा एमीटर, ये एमीटर का एक तार यहां जोड़ना पड़ेगा, एक तार यहां जोड़ना पड़ेगा। पहले एमीटर डालो तो सही उसमें, तो जो करंट पहले ऐसे जा रही थी अब वो करंट एमीटर में से होके जाएगी, जो करंट पहले डायरेक्ट वायरों में जा रही थी अब वो करंट एमीटर में होके जाएगी, तभी तो एमीटर कुछ कर पाएगा। फिर वो करंट एमीटर में जाती है, फिर एमीटर रीड करके बताता है। अब इसके अंदर मत जाना कि एमीटर कैसे करता है, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं है अभी। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही वेंचुरी मीटर क्या होता है, जैसे कोई पाइप आ रही है ना, ये जो पाइप आ रही है इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, ये समझना बेटा, मैं समझा पाया तो ये थी। अब आपको इसमें जैसे इसमें करंट मेजर करनी थी, इसमें स्पीड मेजर करनी है, इसमें करंट मेजर करनी थी, इसमें स्पीड, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये पाइप एक का पर्टिकुलर हिस्सा तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मतलब पहले फ्लो रोक लो वहां से, ये इतने हिस्से में पाइप हटा दी, ये वेंचुरी मीटर। अब ध्यान से सुनना, ये वेंचुरी मीटर लेके आना पड़ेगा, ये वाला जो ओपन हिस्सा है वो इसमें फंसाइए और ये वाला ओपन हिस्सा इसमें फंसाइए। तो यानी देखो ऐसे करके, ये देखिए कुछ समझे, कुछ समझे या नहीं समझे? मतलब क्या, मैंने तो पूरी कोशिश की समझाने की कि पहले उस पाइप को काटिए, फिर इस वेंचुरी मीटर का ये वाला हिस्सा इस पाइप में घुसाइए और इस वाले को इस बात उसमें घुसाइए। इसका मतलब ये होगा कि अब पाइप में होने वाला जो फ्लो था वो अब वेंचुरी मीटर से होके जाएगा, जैसे अब करंट जो केवल वायर वायर में जा रही थी अब एमीटर से होके भी जाएगी। तो जो एक मिनट में पहले इससे ऊपर वाला सिचुएशन दिखा देता हूं, पहले ये पाइप ऐसी थी, सिर्फ ये पाइप सीधी सीधी थी, आपको यहां काटनी पड़ेगी इतनी हिस्सी, इतना हिस्सा इसे काट लीजिए, उखाड़ दीजिए और हमारा वेंचुरी मीटर इंस्टॉल कर दीजिए। और अब मैं बताता हूं, यदि ये समझ में आ गया क्यों वेंचुरी मीटर अलग अलग साइज के आते हैं। अब बताना पाइप का ये एरिया वेंचुरी मीटर के इस एरिया से मैच करना चाहिए कि नहीं, हालांकि इसका थोड़ा बहुत नेका 19-20 बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैच करना चाहिए कि नहीं ये एरिया। तो वही वेंचुरी मीटर इस पे फिट होगा, वही वेंचुरी मीटर इस पे इंस्टॉल होगा जिसका ये एरिया इससे मैच करेगा, तभी तो वेंचुरी मीटर यूं करके घुसेगा इसमें। यदि ये पाइप का मुंह बड़ा है तो बड़ा वेंचुरी मीटर चाहिए, इस पाइप का मुंह छोटा है तो छोटा वेंचुरी मीटर चाहिए। तो ध्यान रखना, मैंने ये जो पाइप जारी थी उसको इतना हिस्सा तोड़ दिया और इतने हिस्से में अपना वेंचुरी मीटर इंस्टॉल कर दिया। क्या ये समझ में आ गया है, नहीं आ गया कि वेंचुरी मीटर, फिर उससे क्या होगा कि अब जो पाइप का फ्लो है अब वो वेंचुरी मीटर में होके जा रहा है, और जब वो वेंचुरी मीटर में होके जाएगा तो है ना यहां पर, तो पता है बस देखिए क्या, जैसे वो पाइप का फ्लो वेंचुरी मीटर से होके जाएगा तो यहां लेवल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। उस लेवल डिफरेंस से हम अंदाजा लगा लेते हैं, सॉरी अंदाजा नहीं, एक्यूरेसी निकाल लेते हैं कि कितनी स्पीड से गया होगा इस लेवल्ड, क्योंकि जब वो यहां जाएगा, अभी बताऊंगा सारी बातें बताऊंगा
तो यहां जो लिक्विड लेवल में था वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो कितना फ्लक्चुएशन आया यहां पर, यहां जो कितना फ्लक्चुएशन आया वो इससे पता, इसके फ्लो पे डिपेंड करता है। ये तेज चल रहा होगा तो ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा, ये कम है तो कम आएगा। तो चलिए अब वेंचुरी मीटर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर जब लोगे आप तो एट ए और एट बी के ना एरिया लिखे हुए आएंगे उस पे कि इस साइड का एरिया जो ए है ये एरिया इतना है और इधर जो एरिया है वो इतना है, जो पतला हो गया। हमको निकालना क्या है कि जब हम इसमें से लिक्विड गुजारेंगे, जब लिक्विड वेंचुरी मीटर से होके जाएगा। अच्छा अब ये बात तो समझ गए कि वेंचुरी मीटर का ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड का एरिया एग्जैक्टली उतना है जिसे पाइप में से गुजारना है, ठीक है। तो पाइप में जो स्पीड होगी वही इतने हिस्से में स्पीड होगी, तो ये वाली स्पीड जो ये है स्पीड, वो मुझे निकालनी है, हमें और आपको निकालनी है ये वाली स्पीड जिसके लिए वेंचुरी मीटर बना है। एरिया ए का ए वन है, ए पर जो लिक्विड बह रहा है उसकी स्पीड वी वन है जिसे निकालनी है, और मैंने प्रेशर मान लिया कि वो पी वन है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, बी बी पर जो एरिया ए टू है वहां जो स्पीड होगी वो वी टू मान लेते हैं, और वहां की लोकेशन पे जो प्रेशर होगा उसको पी टू मान लेते हैं। अब मुझे बताइए, छोटी सी बात बताना, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। मुझे ये बताइए ए वन ए टू से बड़ा है कि नहीं, ए वन ए टू, और ये इंटेंशनली बनाते हैं वेंचुरी मीटर ऐसा छोटा बड़ा। बताना इधर का एरिया इधर के एरिया से बड़ा है, ए वन ए टू से बड़ा है। जिधर एरिया बड़ा होता है उधर स्पीड गिर जाती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ऑब्वियसली ये एरिया छोटा हो गया तो यहां तेजी से फ्लो हो रहा होगा तो वी टू ज्यादा होगा, ठीक है ये चीज। अब ये और बता दो, क्योंकि स्ट्रीम लाइन फ्लो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो जिधर की स्पीड बढ़ जाती है उधर का प्रेशर, जो कल से पढ़ा रहा हूं मैं, वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर गिर जाता है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। पहले ये तीन लाइनें समझ में आई या नहीं आई बताओ, आराम से धीमे धीमे सोच लो कि एरिया इसका बड़ा है इसीलिए इसकी स्पीड कम है, और क्योंकि इधर स्पीड कम है तो इसलिए इधर का प्रेशर इधर से जाता है, इधर का प्रेशर इधर से जाता है, ठीक है। यानी लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो यहां पे ज्यादा हो चुका होगा या कम, इस वजह से सुनिए, इस वजह से क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है ना, मैंने कहा ना इन दोनों के एंड पर देखो, इस यू शेप ट्यूब का एक एंड इधर की ओर खुला हुआ है, एक एंड यहां खुला हुआ है, और इसके अंदर मरकरी या कोई भी लिक्विड हो सकता है। इधर प्रेशर ज्यादा है तो पता ना लिक्विड ये वाली हरकत कर देगा कि नहीं कर देगा, इस वजह से बताओ, इधर से लिक्विड दब जाएगा इधर से उठ जाएगा, इधर से दब जाएगा इधर से उठ जाएगा, हालांकि थोड़ा बहुत लिक्विड इसका नीचे गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन ट्यूब इतनी पतली पतली होती है इसे इग्नोर मार सकते हो, इतनी पतली। बताइए इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इधर दब जाएगा और उधर उठ जाएगा। आप यदि मेरी आर्ट में थोड़ी कमी लग रही हो तो पेज नंबर 256 पे एक फिगर बनना है वेंचुरी मीटर का, वहां पर ये वाली बारीकियां और देखिए। अच्छा ये फिगर सबका अलग अलग हो सकता है, सबकी आत्मा वही है, सर आपने तो वैसी बनाई है पाइप, इसमें ऐसी बननी है, आप ऐसी बना लेना। तो आप इधर इसको देखिए, इधर वाला एरिया बड़ा है ना, ये वाला एरिया बड़ा है, तो यहां से लिक्विड ये जो ब्लैक 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 वाला ये दब गया इधर से उठ गया। डू यू पल्ले और नॉट, जल्दी बोलो कि इधर से लिक्विड दब जाएगा उधर से उठ जाएगा, ठीक। और यहां पे ना ये जो मैनोमीटर होता है या ये जो डिवाइस होती है इसमें भी ना स्केल होता है, स्केलिंग होती है, उस स्केल से ही आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंस कितना जनरेट हो चुका है, कि कौन सा डिफरेंस, मरकरी यहां पर इस आर्म पर है यहां पर है और मरकरी यहां इतना तक उठ चुका है। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से नहीं मतलब एटलीस्ट हाइड्रोस्टैटिक्स से पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं एक थ्योरम यूज करता था कि यदि मैं इस पॉइंट का नाम एक्स दूं और इस पॉइंट का नाम वाई दूं तो ये लिक्विड, अच्छा फ्लो तो ऊपर वाला लिक्विड कर रहा है, फ्लो तो ऊपर हो रहा है, ये लिक्विड थोड़ी नहीं फ्लो हो रहा, ये लिक्विड तो रेस्ट पे है, तो यहां तो रेस्ट वाली थ्योरम लग जाएगी। बताना प्रेशर एट एक्स इक्वल टू प्रेशर एट वाई होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, याद है कि नहीं याद,
थोड़ा सा तो पुराना यूज होता ही है बेटा, प्रेशर एट एक्स, क्योंकि मैं बताता हूं कौन सी थ्योरम लग रही है, एट रेस्ट लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, जो जो मैंने सेम लेवल खींचा हुआ है सेम लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, एक्स और वाई सेम लेवल के पॉइंट है, तो जो एक्स पर प्रेशर होगा वही वाई पर प्रेशर होगा, लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, ठीक। तो बताना एक्स पर वो प्रेशर होगा जो ए ने जनरेट किया है, क्योंकि ये वाला एरिया ए पर खुल रहा है, तो एक्स पर प्रेशर वो होगा जो ए पर होगा, ए पर यानी पी वन, तो एक्स पर जो प्रेशर है वो है पी वन इक्वल टू वाई पर, बस वाई पर दो लोगों का प्रेशर होगा, ये जो वाई पॉइंट है बी वाला प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन ये साला ये जो लिक्विड पॉलम मरकरी का जो एक्स्ट्रा पॉलम जनरेट हो गया है तो है ना, तो वाई पर जो प्रेशर होगा बताना पी टू प्लस 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 प्लस, अभी रुक जाओ, अच्छा क्योंकि ये अलग लिक्विड है ये अलग लिक्विड है तो इन दोनों लिक्विडों की डेंसिटी भी जरूरी नहीं है एक सी हो, तो मैं इस लिक्विड की डेंसिटी को रो बोल रहा हूं और इस लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा बोल रहा हूं, आप रो या रो डैश भी पढ़ सकते हो, समझ गए नहीं समझ गए तो मुझे बताइए भाई, अलग अलग लिक्विड अलग अलग डेंसिटी भी हो सकती होगी, होगी हो सकती क्या है, तो पॉइंट एक्स पर जो प्रेशर आ रहा है वो वाला आ रहा है जो ए पर है पी वन, पॉइंट वाई पर जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है पी टू प्लस जिसे आप रो जी एच लिखते थे, रो जी एच, बस उस रो का नाम मैंने सिग्मा कर दिया है, आराम से तसल्ली से एक एक स्टेप समझते चलो, ये समझ में आया कि नहीं, सिग्मा जी एच कि इधर लग रहा है पी वन लग इधर वाला प्रेशर जो इधर से जनरेट हुआ है और इधर प्रेशर आ रहा है पी टू प्लस ये भी तो जनरेट हो गया सिग्मा जी एच, यहां से पी वन माइनस पी टू मुझे पता चल गया सिग्मा जी एच, वही पी वन माइनस पी टू जो पिछले सवाल में ढूंढा था हमने, इसमें पी वन माइनस पी टू यहां से पता चल जाएगा, ठीक है सिग्मा जी एच, और ये पता चल गया क्योंकि एच ना मैंने कहा ना यहाँ स्केलिंग हो रही होती है डॉट 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 डॉट, अपने आप तुरंत पता चल जाएगा अच्छा इतने मीटर का फ्लक्चुएशन हुआ है सेंटीमीटर का। चलिए अब भूल मत जाना कि हमें निकालना ये है बी वन कि इसमें स्पीड कितनी है, तो कुछ कैलकुलेशन करेंगे उससे स्पीड निकल जाएगी, कुछ कैलकुलेशन करेंगे क्या बताओ, बताना पी अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू पी अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू, होता है कि नहीं बर्नौली थ्योरम में, इधर का बराबर होगा, ए का प्रेशर ए की वेलोसिटी, बी का प्रेशर बी की वेलोसिटी, देखना समझ में आया, बताओ 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 बताओ, पी वन अपॉन रो पी वन स्क्वायर अपॉन टू, थोड़ा लंबा जरूर है बेटा, अब कुछ टॉपिक होते हैं ऐसे जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, है ना, कंफर्ट जोन से बाहर है, हो सकता है कंफर्ट जोन से बाहर हो, कठिन नहीं है, तो पी टू अपॉन रो वी टू, अच्छा देखना ये टू से ये टू कट जाएगा ना, अरे स्क्वायर है तो एक काम करो टू 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 से इन दोनों टू से ये टू कट दीजिए, है नहीं इतने गंजड़े नहीं हुए, चलिए तो यहां से बताना बेटा पी वन माइनस पी टू अपॉन रो, पी वन माइनस पी टू अपॉन रो किसके बराबर आ रहा है वी टू माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू, थोड़ा थोड़ा हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, पी वन माइनस पी टू अपॉन रो इक्वल टू यही आएगा ना, ठीक। एक अच्छी बात यह कि पी वन माइनस पी टू हमें यहां से पता चल चुका है इससे सिग्मा जी एच, तो इसकी जगह लिख देता हूं मैं सिग्मा जी एच, इसकी जगह लिख देता हूं रो, इधर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन टू, एक काम करता हूं इसको इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सिग्मा जी एच अपॉन रो, अब और इस टू को वहां ले जाता हूं जो टू नीचे ना, इस टू को यहां से, तो आर एच एस तो हमारी निकली निकला ही है, अब इसमें कलेश ये है ना तो हमें v1 पता है और ना v2 पता है, ना तो v1 पता है ना v2 पता है हमें, ना v1 ना v2, सारा निकालना v1 है हमें, अब एक इक्वेशन में यदि दो वेरिएबल हो, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो तो ऐसे कैसे निकाल लेंगे हम, अच्छा आर एच एस हमें पता है ना, ठीक एक इक्वेशन के दो वेरिएबल, तो अब इसमें मैं एक जुगाड़ निकालूंगा, अब वो जुगाड़ होने के बाद समझ में आएगी कि ऐसा क्यों किया, मैं क्या करने जा रहा हूं, अच्छा फिर से आपको आपका टारगेट याद दिला दो, निकालना आपको v1 है,
V1 इसमें फ्लो होने वाले लिक्विड की स्पीड, अब इस V2 की वजह से अटक गए कि साला पता नहीं है V2 कितना है, तो मैं पता है क्या जुगाड़ अपना रहा हूं, मैंने इसमें से ना जबरदस्ती V1 स्क्वायर कॉमन लिए, कॉमन नहीं था फिर भी कॉमन लिया, 2σgh/ρ। नॉर्मली तो एक कॉमन लाने वाली चीज है ही नहीं, लेकिन हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जबरदस्ती पे आए तो कॉमन भी ले सकते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाए V1 स्क्वायर कैसे कॉमन आ जाएगा वो इस स्टेप को देखो, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर -1। ऐसा क्यों किया वो, मैंने कहा ना जुगाड़ समझ में थोड़ी देर में आएगी, लेकिन ये और ये एक ही स्टेप है कि नहीं, मतलब ये और ये लीगल स्टेप है कि नहीं, और जो लोग नहीं समझे वो एक बार V1 स्क्वायर को अंदर डायल्यूट करो, जब V1 स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट में ले जाओगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों किया जुगाड़ समझ में अब आएगी, किया क्यों, क्योंकि मुझे V2 नहीं पता और बिना V2 के V1 निकलेगा नहीं, निकालना मुझे V1 है, V2 ने हमारे राम रोड़े अटका दिए, तो मैंने उसको इसलिए ऐसी शेप दी कि मुझे V2 तो नहीं पता पर मुझे V2 अपॉन V1 पता है, ये रेशियो मुझे पता है। अब आपको ये कहां से पता है बताना, क्योंकि स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो A1V1 इक्वल टू A2V2 होगा या नहीं होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 इधर का एरिया इधर की स्पीड इक्वल टू इधर का एरिया इधर की स्पीड, तो यहां से गौर से देखो V2 अपॉन V1 A1 अपॉन A2 हुआ कि नहीं हुआ, और मैंने इतना बिगनिंग बोला था जब वेंचुरी मीटर आपके हाथ में आता है तो A1 और A2 आपको मैन्युफैक्चरर ही बता देता है कि इतने इतने एरिया की ट्यूब्स हैं इसमें, तो सुनना चालाकी देखी हमारी, हमें सारे V2 ने अटकाया था और हम V2 निकालना भी नहीं चाहते, हम चाहते नहीं है V2 निकालना, क्योंकि फ्लो तो हमें ये वाला निकालना है ना, ये वाला निकालना है, तो हमने क्या किया उसको इस तरीके से एडजस्ट किया कि V1 स्क्वायर बताओ V2 अपॉन V1 A1 अपॉन A2 है, और स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर के साथ झेलना पड़ेगा। ये थी बेटा, अब तो बस बेटा कुछ नहीं, अब इसको इस तरीके से सॉल्व करो कि इसे सॉल्व करके वहां पढ़ दो, तो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इक्वल टू 2σgh/ρ। बेटा मुझे एलसीएम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अब मैं इजीली ले पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे V1 को यहाँ अकेला छोड़ना है, 2σgh/ρ, और फिर इसको इधर ले जाओगे तो A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और क्योंकि V1 निकालना है, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, ऐसे करके इसमें कैलकुलेशन से स्पीड निकलती है, ये V1 निकाल ली हमने, इस कैलकुलेशन से V1 निकल पाएगी, V1 माने स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप, उस पाइप में जिस पाइप के साथ इस वेंचुरी मीटर का ये वाला क्रॉस सेक्शन कनेक्ट किया गया है, और तेल के साथ कंघी फ्री मिले तो मना नहीं करते, तेल के साथ कंघी फ्री मिले तो मना नहीं करते, ये तो है स्पीड। मान लो आपसे कोई ये पूछ ले, वो तो बहुत इजी चीज है कि कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, कैलकुलेशन हाँ थोड़ी सी तो है ही, मैंने तभी तो कहा बेटा वेदर भी ये आम जिंदगी वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कमर्शियल पर्पज से यूज होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना पर्सनली 11th में नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, और क्या कहते हैं जनरली फैक्ट्रीज वगैरह में इंजीनियर वगैरह का काम है ये। हाँ अब सुनिए, और इंजीनियरों का काम है तो वो इतनी कैलकुलेशन तो झेलनी पड़ेगी वो इंजीनियरों को, तो अब एक चीज और, यदि आपसे कोई वॉल्यूम फ्लोइंग पूछे तो आपको पता है ना, मैंने एक दिन में बताई थी फ्लूइड डायनामिक्स में वॉल्यूम तो कभी मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा, क्या रीजन बताया था मैंने कि वॉल्यूम तो मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि सारा वॉल्यूम तो फ्लो होता रहता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, हाँ इसे निकाल लूंगा, तो देखिए हाँ A1V1 कर दीजिए वॉल्यूम आ जाए, जिसको याद है तमीज से पढ़ रहा है रेगुलर पढ़ रहा है कि A1 AB ये जो AB होता है A into B ये वॉल्यूम पर सेकंड की तो डायमेंशन है, वॉल्यूम पर सेकंड की, तो A into V कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो मेरी तरफ से हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स खत्म अभी इसमें, लेकिन एक सबसे बड़ा टॉपिक है सरफेस टेंशन, अब मैं प्लान कर रहा हूं कि सरफेस टेंशन बाद में पढ़ा दूंगा, पहले आगे के चैप्टर जो फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन ना समझाने में टाइम लगता है, फील कराने में टाइम लगता है कि समझो। अब जैसे विंग्स बना, अब विंग मेरे को तो पता है विंग कैसी होती है,
अब उसको आप तक पहुंचाना समझाना ऐसी शेप होती है, कुछ एक आध वीडियो भेजना थोड़ा टाइम लगता है ना, तो वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा क्या प्लान है, ठीक है। और